नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त वसीम मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू कंपनी के साथ। जिस कंपनी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो 17 रुपये से 742 रुपये का सफ़र महज कुछ महीनों में ही पूरा कर लेती है अपने लिस्टिंग के। ये कंपनी बैंकरप्सी के लिए NCLT में जाती है। कंपनी की एक्विजिशन होता है, डीलिस्टिंग होती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से, अगेन डीलिस्टिंग होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुचि सोया लिमिटेड के बारे में। रुचि सोया लिमिटेड इंडिया की एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन करती है। कंपनी के ऊपर दिसंबर 2017 में 12,000 करोड़ का डेब्ट हो जाता है और कंपनी इसको पे नहीं कर पा रही है। जब तो इसके जो मेन दो क्रेडिटर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और दूसरा DBS बैंक, वो केस फाइल करती हैं NCLT में। कोई भी केस जब NCLT में जाता है तो NCLT का एक ही एम होता है कि जो क्रेडिटर्स है कंपनी को, उनको मैक्सिमम पैसे जो है उनको दिया जा सके कंपनी को सेल करके। कंपनी को सेल करने के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियों ने बिड किया कंपनी को एक्वायर करने के लिए, लेकिन फाइनलाइजेशन तक तो सिर्फ दो ही कंपनी गई, जिसमें एक थी पतंजलि आयुर्वेद जो बाबा रामदेव की कंपनी है और दूसरी अदानी विलमार। पतंजलि आयुर्वेद जो है बिडिंग जीत गई और जो फाइनल कंपनी को एक्वायर किया पतंजलि ने वो किया, उन्होंने 4,350 करोड़ पे एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद से उन्होंने शेयर को डाइल्यूट किया 100:1 में। डाइल्यूट करने के बाद से यानी कि ओल्ड कंपनी के जो शेयर 100 शेयर थे वो जिस शेयर होल्डर्स के पास, उनको एक शेयर न्यू कंपनी के दिया गया। ये कंपनी डीलिस्टिंग होती है 13 नवंबर 2019 में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से। उस टाइम इसका प्राइस जो था 3.35 रुपये था। अगेन रीलिस्टिंग होती है 27 जनवरी 2020 को, 17 रुपये पर लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होने के बाद से कंपनी के अच्छे दिन आ गए। 17 रुपये से लेके 742 रुपये तक कंपनी कंटिन्यू 66 डेज तक इसमें 5% का अपर सर्किट लगा। 742 रुपये पे जाने के बाद से कंपनी का सफ़र रुक जाता है। उसके बाद से पिछले लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं। अपर सर्किट लगने का इसमें एक रीज़न ये था कि जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनको 100 के बदले एक शेयर मिले हुए थे, वो शेयर अपने बेच नहीं रहे थे क्योंकि वो लॉस में नहीं निकलना चाह रहे थे। लेकिन जब 742 रुपये भी गया तो उनका जो परचेज प्राइस था वो आ गया, ठीक है। आने परचेज प्राइस आने के बाद से उन्होंने सेल करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद से फिर लोअर सर्किट इसमें लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि वो कंपनी में बने नहीं रहना चाह रहे थे, इसलिए वो बेच के निकल जा रहे हैं, इसलिए इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। अब हम शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो मार्च 2020 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 98.9% शेयर है और जो DII हैं उनके पास 0.27% है, अदर्स जो हैं उनके पास 0.83% है। इसको हम कंपेयर करते हैं जब सितंबर 2019 से, जो प्रमोटर्स के पास उस टाइम जो शेयर्स होल्डिंग था वो 15.53% था, DII के पास 14.83% है और जो अदर्स थे उनके पास मैक्सिमम शेयर था 69.64%। तो आप समझ सकते हैं कि एक्विजिशन के बाद से कितना जो है शेयर एक्वायर कर लिया जो प्रमोटर्स ने। और मार्च 2020 के अकॉर्डिंग जो शेयर प्लेस जो यानी गिरवी रखे गए हैं वो 99.97% गिरवी रखे गए हैं इस कंपनी के शेयर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा स्टॉक का। आज जो क्लोजिंग हुई है स्टॉक के 519.80 रुपये पे हुई है। जो कंपनी ने अपना 5 डेज 10 डेज एंड 20 डेज का जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 340 का बन रहा है कंपनी का। 340 रुपये पे तक 340 तक जाएगा इसका प्राइस। अगर 340 भी ब्रेक करता है तो सीधा सीधा 200 से नीचे ये स्टॉक चला जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।